दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। और बिटकॉइन की अगर बात करते हैं तो आज अगर INR पेयर की अगर बात करते हैं तो लगभग लगभग मान के चलिए आज 15 लाख, 15.5 लाख के आसपास आया है। और आज का जो अपना फंडामेंटली है वो रहेगा वज्रेक्स के ऊपर और वज्रेक्स के टैक्स के ऊपर लेके, और किस तरह से आप अगर वज्रेक्स से लेन देन करते हैं तो आपको बड़ा जुर्माना यहाँ पर लग सकता है, किस तरह से नहीं लग सकता है, ठीक है। तो आपको कहाँ से ट्रांजैक्शन करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए, वज्रेक्स आपके लिए बेस्ट है या नहीं है तो वही देखेंगे। उसके पहले अगर आप बिटकॉइन की लेटेस्ट न्यूज़ की अगर बात करते हैं तो और भी यहाँ डाउन बिटकॉइन आ सकता है आने वाले दिनों में। आप इसको समथिंग मान के चलो 10 से 12 लाख के आसपास इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर लेटेस्ट अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे दिया है, ठीक है। चलो बात करते हैं कि जो वज्रेक्स की जो बात है दोस्तों, वज्रेक्स में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे वज्रेक्स टू डिपोजिट डिडक्ट 30% TDS ऑन कम्प्लीट प्राइस, ठीक है। यानी कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे उसके ऊपर आपका TDS लगने वाला है द सेक्शन 194B द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ तो आपको थोड़ा ये मेरे को भी पता चलेगा और आपको भी चलेगा। किसी भी व्यक्ति को अगर पहली या फिर मतलब पहले अगर गेम कार्ड की अगर बात करते हैं 10,000 से अधिक की राशि, यानी कि 10,000 से ज़्यादा की अगर ट्रांजेक्शन वो करता है और उसको अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें से आयकर में कटौती करेगा, उस पर जो 30% TDS होगा वो लागू होगा, ठीक है। अगर इस कन जो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे दिया है जो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे और भी दिया है WRX रिवार्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड WRX प्राइस द ईच डे, ठीक है। 9 PM IST 30% TDS अप्लाई ब प्राइस 10,000 INR, ठीक है। यहाँ से अगर आप P2P भी अगर विड्रॉल लेंगे तो भी आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि P2P में भी यहाँ पे आपका TDS ट्रांजैक्शन चार्ज जो भी है यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वज्रेक्स अगर जो नियम लागू कर रहा है, हम TDS के बारे में बात करेंगे कि TDS आपको ट्रांजैक्शन कौन से एक्सचेंज के बारे में मतलब कौन से एक्सचेंज के अंदर आपको ट्रांजैक्शन करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 10,000 से अधिक मूल्य की क्रिप्टो जीतते हैं तो आपको इसमें से 30% TDS कटौती करेगा। मान लीजिए 1 लाख की क्रिप्टो आप जीतते हैं, ठीक है, तो उसमें से वज्रेक्स आपको 30,000 रुपये की क्रिप्टो करेंसी का भुगतान करेगा। आपके पैन कार्ड के तहत आयकर विभाग को 30,000 रुपये का भुगतान करेगा। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा फंडा है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो थोड़ा कन्फ्यूज़न मेरा भी रह गया यहाँ पे। अगर बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आपने ट्रांजेक्शन किया 1 लाख रुपये का, कोई क्रिप्टो करेंसी आपने परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद में यहाँ पे आपका अगर प्रॉफिट होता है 50,000, ठीक है, 50,000 आपका प्रॉफिट हुआ तो उसमें से 30% वज्रेक्स अमाउंट को काट लेगा। 30% आपका जो भी पैन कार्ड अटैच होगा वज्रेक्स के अंदर उसके ऊपर आपका TDS पे हो जाएगा, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है 30% के हिसाब से, यानी कि 15,000, ठीक है, और 35,000 आपके वैलेट में ऐड रहेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से अब यहाँ पे चलने वाला है। और अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो थोड़ा हिसाब से ही करिएगा। और अब बात करते हैं कि वज्रेक्स में, ठीक है, वज्रेक्स में अगर बात करते हैं कंप्लीट ऑर्डर की तो मैंने यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं TRX बाय एंड सेल कर रखे हैं, तो यहाँ पे पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी आपके सामने है, वो यहाँ पे दिख रही है। अगर आने वाले दिनों में मैं यहाँ पे अगर P2P में कोई अगर ट्रांजेक्शन करता हूँ तो मेरे लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि वज्रेक्स में अभी तक कोई कन्फर्म हुआ नहीं है, अभी तक टैक्स लागू हुआ नहीं है। जब अगर लागू होगा नेक्स्ट ईयर से तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप करना चाहते हैं तो वज्रेक्स से बेस्ट ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हैं बाइनांस में, या फिर कोइन बाइनांस के अलावा कोई अदर एक्सचेंज, यानी कि हुएमबी ग्लोबल देख लो और कोइन गेंको देख लो। इसके अलावा आपको इस तरह से
कुकॉइन की बात कर लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस वहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। अगर पी टू पी ट्रांजेक्शन करना है तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी वजीरेक्स में भले आप कर भी सकते हैं, परंतु आने वाले दिनों में आपका जो भी सीए होगा उससे आप राय लीजिए, सीए से राय लेने के बाद में आप वहाँ से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो आने वाले दिनों में होगा क्या पता नहीं, परंतु मार्केट ऑलरेडी बहुत डंप है और जब ये प्राइस अगर अपना 10 से 5 गुना वापस होगा या फिर 10 गुना होगा या फिर 15 गुना होगा तब क्या होगा, वो सोचने वाली थोड़ी बात यहाँ पे होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेके चलना है, पी टू पी ट्रांजेक्शन करना है या फिर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप अदर एक्सचेंज चूज़ करिए, वजीरेक्स चूज़ मत करिए अभी हाल के टाइम में, ठीक है। अगर TDS की बात करेंगे तो अभी उसमें सभी लोगों ने यहाँ पे मतलब उसका जो ट्रांजेक्शन डेटा था वो टाल दिया नेक्स्ट ईयर के लिए, परंतु आने वाले दिनों में ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है TDS वाला काम, ठीक है। तो उस हिसाब से करिए, या फिर P2P ट्रांजेक्शन करते हैं तो P2P भी अपने हिसाब से करिए, क्योंकि फंड एड हिस्ट्री एंड फंड आप अगर इन करेंगे एंड आउट करेंगे तो भी वजीरेक्स आपके आपका जो डेटा है सामने वाले बंदे को यानी कि गवर्नमेंट को देने वाला है, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो भी ट्रांजेक्शन करिए अपने हिसाब से करिए, छोटा ट्रांजेक्शन करिए या फिर P2P अगर यूज़ करना है कुकॉइन यूज़ करिए, UMB ग्लोबल यूज़ करिए, बाइनेंस यूज़ करिए, MEXC यूज़ करिए, तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को। और यहाँ पे अगर बात करते वापस TDS की तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इस जगह कि 11 क्रिप्टो एक्सचेंज, ये थोड़ा पुराना न्यूज है, मैं आपको बता देता हूँ मार्च का है, 11 क्रिप्टो एक्सचेंज जो फंड टू इवनिंग यानी कि 81 करोड़ का GST उन्होंने यहाँ पे चोरी किया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 11 क्रिप्टो एक्सचेंज 81 करोड़ रुपये की चोरी करते पाए गए हैं, जिसके अंदर कॉइन स्विच कुबेर हैं, इसके अलावा वजीरेक्स हैं, इसके अलावा कॉइन DCX हैं। तो ये सभी एक्सचेंज इस तरह से फंडामेंटली वो सब यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से ट्रांजेक्शन करिए, बाकी अपना जो CA आपका जो भी CA है उससे आप राय लीजिए वहाँ।